स्वागत है आप सभी लोगों का पूर्वांचल तक न्यूज में। संत कबीर नगर जिले के विकास खंड पहुली हैसर बाजार के पीआरडी जवानों ने जिला अधिकारी संत कबीर नगर को दिया शिकायती पत्र। पीआरडी जवानों का आरोप है कि ऑनलाइन ड्यूटी लगाए जाने के संबंध में मनमानी तरीके से ड्यूटी लगाई जाती है। ही नहीं, बीओ एवं बड़े बाबू द्वारा फर्जी तरीके से भी चूली किया जाता है एवं धमकी दी जाती है जवानों को। आइए सुनते हैं पीआरडी जवानों की मुजबानी क्या क्या कुछ कहते हैं। रिपोर्ट वीरू गुप्ता, धनघटा, संत कबीर नगर, पूर्वांचल तक न्यूज़। क्या मामला है कि आप लोग एकत्रित हुए हैं? मामला ये है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन ड्यूटी लगती थी। हाँ। आदेश हुआ था, आदेशा के अनुसार वहाँ से कहा जाता है कि ऑनलाइन ड्यूटी है, तो ऑनलाइन ड्यूटी है तो हमें पीडीएफ क्यों नहीं दिया जा रहा है? पहली समस्या तो आ गई। दूसरी समस्या ये है, हमारे गार्ड जो है एक महीने काम करते हैं और दो दो तीन तीन महीने बैठा दिया जाता है। जो गार्ड उनके पक्ष में है, आप पैसा देते हैं या कोई दबाव वजह से उनकी ड्यूटी हर महीने लगाई जा रही है। हमारे ब्लॉक का जब ऑनलाइन हो रहा था तो मांगा गया कि दो ब्लॉक दिया जाए, तो हमारा हैसर और नाकर दिया गया। तो हम बीओ महोदय से पूछना चाहते हैं कि कैसे हमारे ब्लॉक का फैलाबाद में दिखा लिया, ये कौन सा गाना है, पीडीएफ बना है, कहाँ से बना है, इसको बताएं। वो पहली बात, फिर हमारे जो गार्ड महीनों में बैठ करके एक महीने ड्यूटी किए, उनको फिर बैठा दिया गया, फिर उनको कहना है इस महीने बैठा दिया, एक महीने के बाद फिर बैठा दिया गया। ऐसे हमारे गार्ड हर महीने 20-25 बैठते हैं, हैं। बाकी जो गार्ड उनके करीबी के हैं जो पैसा देते हैं उनको तत्काल लगा दिया जाता है, हर महीने लगा दिया जाता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कहना है कि ये सब ड्यूटी बेचने वाले को खिलाफ कार्रवाई किया जाए और ड्यूटी हमारे सभी जवानों को नियमित ड्यूटी लगाई जाए। ये कौन करता है? ये हमारे बीओ हैं जो, और उनके कुछ सहयोगी हैं ऑफिस में, वो लोग करते हैं। और हमने एक 4 तारीख को, पिछले महीने 4 तारीख को एक अप्लीकेशन दिया था फर्जीवाड़ा का, जो हमारे यहाँ 3-4 फर्जिया ड्यूटी आ गई है, वो पैसे देकर 45,000 रुपया या 50,000 रुपया देकर फर्जी अपना कार्ड बनवा लिए हैं, बीओ द्वारा बनवाया गया है। उस कार्ड को मैंने अप्लीकेशन दिया था 4 तारीख को, आज तक न कोई सुनवाई हुई, न किसी से पूछा गया, न हमसे पूछा गया, न किसी गार्ड से पूछा गया, न कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ कि खिलाफ तुरंत तत्काल कार्रवाई किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से, हमें बहुत अपार खुशी है। और आपसे अनुरोध है कि जितने भी हमारे जवान हैं, हमारे बीओ महोदय के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है और हमारे बीओ महोदय अपनी मर्जी के खिलाफ, अपनी मर्जी से जो भी चाह रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जितने भी वहाँ बीओ और बैठे हुए हैं सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, अन्यथा हमारे जवान अगर बैठ जाएंगे तो हम यहाँ से नहीं, हम जहाँ हमारी दिल कहेगा हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं और उस तक अपने जवानों के साथ जाएंगे। हमें जो भी ये बीओ महोदय दुरुपयोग कर रहे हैं उनको तत्काल हटाने का कष्ट किया जाए, और नहीं हटाया गया तो हम यहाँ से लखनऊ और इलाहाबाद कोर्ट तक जाएंगे। आरोप लगा रहे हैं कि बीओ द्वारा कमीशन लिया जाता है, इस पे क्या कहेंगे? सर देखिए, इस पे ऐसा है, 2024 जनवरी 4 जनवरी को यह शासन आदेश आया था कि अब जो है ऑनलाइन ड्यूटी चलेगी और जिन लोगों का डाटा फीड हो गया है वह 100% ड्यूटी चलाई जाएगी। जनवरी में ऑनलाइन का ड्यूटी नहीं आई, फरवरी में नहीं आई, मार्च में ड्यूटी आई, वो भी आधा अधूरा। तो धोखा दिया गया, बताया गया है कि मतलब यह लिस्ट सही सलामत नहीं थी इसलिए आधा अधूरा हुआ है और अप्रैल के महीने में 100% ड्यूटी आएगी, इस जय झांसा दे करके बैठा दिया गया। पूरे साल में 5, 4, 6, 7 महीना ड्यूटी हमारे जवान यही करते हैं, यानी पूरे 12 महीने ड्यूटी नहीं करते क्योंकि उनको ड्यूटी मिलती ही नहीं। हम राजा राम 52-53 साल की एज हो गया है इस देश की सेवा करते हुए, और इन अधिकारियों से तंग आ गए हैं। डीओ बीओ को केवल पैसा चाहिए और पैसे के अलावा जो पैसा देता है उसकी कारागार ड्यूटी लगाई जाती है 11-11 महीने, 12-12 महीने, और जो पैसा नहीं देता है उसका मुश्किल से साल में 5 या 6 महीने की ड्यूटी चलती है। पिछले 2023 में हमारी 6 महीने की ड्यूटी है। क्यों ऐसा हुआ? बीओ महोदय और डीओ महोदय तत्काल, अब यह गुंडागर्दी और यह
छिछोरी नहीं चलेगी, तत्काल इन्हें कार्य अपने काम से इन्हें निरस्त किया जाए और इन्हें हटाया जाए और सही सलामत ऑनलाइन ड्यूटी दिया जाए। हमने देखा पिछले महीने में कर मार्च में बस्ती में डाटा जो फीड हुआ है, ऑनलाइन ड्यूटी आई थी उसमें जो है 481 लोगों की PDF आई थी सभी जवानों के मोबाइल पर। और मार्च के महीने में हमने BO साहब से पूछा था कि अगर ऑनलाइन ड्यूटी है तो PDF दीजिए, लेकिन इन्होंने नई नियुक्तियां की है जो फर्जीवाड़ा है, ना तो उनका कोई ट्रेनिंग है और ना ही तो उनको कोई जानता है। और इस तरीके से कर करके नए लोगों को ड्यूटी लगाने के लिए पुराने लोगों की ड्यूटी रोक काट करके नए लोगों को ड्यूटी करवाए हैं और जो है PDF नहीं दिए। वही समस्या आ गया अप्रैल के महीने में हमारे थाने पर संत करदरटा थाने पर 48-49 जवान हैं जिनमें से 15 से 16 ड्यूटियाँ दे रहे हैं, बाकी जवानों को हम कहाँ भेजें। यही स्थिति है पौली का। और हर महीने एक दूसरे को जो उनके पक्ष में बात करता है, उनके फेवर में रहता है, उनको कि हर हाल में उनको ड्यूटी मिल जाती है और जो इनके फेवर में नहीं होता है उनको ड्यूटी नहीं देते हैं। सच्चाई ये सही है जो आरोप लग रहा है या सच्चाई सही है? सही इसलिए है कि आज तक हमको जो हमारी ऑनलाइन ड्यूटी लगाई जा रही है वह PDF हमको नहीं दिया जा रहा है। दूसरी चीज यह है कि जितने फर्जी भर्ती किए गए उनका कागज गोरखपुर से या कहां कहां से बनवा करके ला करके उनका डाटा लॉक करवाया जा रहा है। आज उन्हीं उनसे पैसा लेकर के उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। अगर पूछा जा रहा है कि इनकी ड्यूटी क्यों लगाई जा रही है, जो ट्रेंड जवान है इनकी ड्यूटी क्यों नहीं लगाई जा रही है, तो उसका जवाब ये मिल रहा है कि आप पैसा देते हो, इनसे पैसा मिल रहा है, हम इनकी ड्यूटी लगाएंगे। कौन कहता है? ये BO कहते हैं। आप इनको, आप जहां आपको जाना हो, लखनऊ जाना हो या जहां भी जाना हो, आप जाइए, आप स्वतंत्र हो। नाम पड़ेगा आपका? अशोक कुमार। क्या है, क्या बात है यहाँ पर? और समस्या ये 395 रुपए में हम लोग ड्यूटी करते हैं और एक महीना ड्यूटी करा कर 6-6 महीने बैठाते हैं, हम लोग के घर का खर्चा कैसे चलेगा? और ये सबको 40,000 रुपए सैलरी, 50,000 है, फिर भी घूस लेकर के नए आदमी को भर्ती करके करवाते हैं सब, और हम लोग को 6-6 महीना बैठा दिया जाता है। ये सब धांधलीबाजी है कि नहीं है? और ऐसे करेंगे तो हम लोग आगे तक जाएंगे। नई भर्ती आई है अभी? नई भर्तियाँ नहीं आया, लेकिन ये फर्जीवाड़ा बना करके देते हैं ये कागज पत्र सबको ऑनलाइन करवा करके। जो ट्रेंड है, जो इसका जो पुराना ड्यूटी कर रहा है उसका ऑनलाइन नहीं होता है, कहीं बोलते हैं डाटा लॉक नहीं हुआ है, और जो नया लोग हैं जो पैसा दे देते हैं उनका डाटा भी लॉक हो जाता है, ऑनलाइन भी हो जाता है, उसका उठा लेता है फटेफट। और पिछले बार में मार्च महीने में 4 महीने हम बैठे थे, मार्च में लगाए थे पॉलिटेक्निक पे लगा करके, उसके बाद अब की महीने है ही नहीं हमारा ड्यूटी है, बोल रहे हैं कि डाटा नहीं उठा नहीं रहा ऑनलाइन, और लगाते हैं ऑफलाइन है, कहते हैं ऑनलाइन लगाए हैं। क्या पूरा मामला है, आप लोग एकत्रित हुए हैं? मामला यही है सर कि हम लोग PRD विभाग से जुड़े हैं और PRD विभाग के मुख्यालय फरीदाबाद में जो अधिकारी हमारे बैठते हैं, मुकेश गुप्ता जी, आराधना मैडम जी, ये लोग इस तरह से ड्यूटी लगा रहे हैं कि जैसे 1-2 महीना करवा करके ड्यूटी, उसके बाद 6-6 महीना बैठा देते हैं। और दूसरी बात, हर साल चुनाव, जब भी चुनाव आता है, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे ग्राम प्रधान चुनाव हो, हर चुनाव में ड्यूटी भरपूर मिलती है। आवाज के चुनाव में भी ड्यूटी नहीं मिल रही है, 2024 के चुनाव में भी ड्यूटी नहीं मिल रही है। अगर ड्यूटी नहीं मिलती क्या करेंगे आप लोग? हम नहीं ड्यूटी मिलेगी तो हम लोग चुनाव बहिष्कार करेंगे, ड्यूटी बहिष्कार करेंगे। क्या करेंगे? ड्यूटी बहिष्कार करेंगे, ड्यूटी नहीं करने जाएंगे, नहीं करेंगे। हमारे यहाँ का समाधान नहीं होगा तब तक हाईशर में और पौली मिला करके 60-70 आदमी हम लोग बहिष्कार, इसमें 30-40 जवान बैठे हैं, उससे भी ज्यादा बैठे हैं लगभग।